आज हम पेट्रोमाइज़ोन या लैम्प्रेस की सेलियंट फीचर्स पढ़ेंगे पेट्रोमाइज़ोन की सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखें तो इट बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ग्रुप इग्नेथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा ऑर्डर पेट्रोमाइजोनशी फॉर्म्स एंड टाइप इज पेट्रोमाइजोन पेट्रोमाइज़ोन का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो इट इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ फाउंड बोथ इन सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर मोस्ट कॉमन जो पेट्रोमाइज़ोन की स्पीशीज़ है वो है पेट्रोमाइज़ोन मेराइनस सी लैम्परेज जिन्हें हम कहते हैं पेट्रोमाइज़ोन की हैबिट जो है ये अनप्लेजेंट बहुत एनिमल होता है और इसकी लाइफ साइकिल में दो डिफरेंट फेजेस होते हैं एक होता है लार्वल फेज जिसे जो लार्वा होता है उसे हम एमोसीट लार्वा कहते हैं और ये फ्रेश वाटर में रहता है सीडेंट्री होता है और फिल्टर फीडर होता है और माइक्रोफेगस क्रीचर है और सेकेंड जो एडल्ट फॉर्म होती है वो फिश लाइक -like फॉर्म होती है जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये फिश लाइक -like, ये इसकी फॉर्म होती है और ये फिश लाइक -like, जो ये फॉर्म जो है फ़िश लाइक -like, वो सी में पाई जाती है पैरासिटिक होती है और फिशेस पर टर्टल्स पर ये चिपकती है अपनी पावरफुल सेक्टोरियल माउथ के द्वारा और इसकी जो रेस्पिंग टंग होती है वो उसके टिश्यूज़ को काट देती है फिशेस और टर्टल्स के इसके बाद जो पेट्रोमाइज़ोन है या लैम्प्रेज जो होती हैं ये सी बॉटम में फ्रेश वाटर या सी वाटर में अपनी बॉडी के अनड्यूलेटरी मूवमेंट से ये नीचे जाती हैं और वापस ये वाटर करेंट्स के द्वारा ये ऊपर भी आ जाती हैं और ऑटम सीजन में लैम्परेज जो होती हैं रिवर्स की तरफ असेंड करती हैं और वहाँ पे ये स्प्रिंग सीजन में इनमें स्पॉनिंग होती है अंडे देती हैं और जिस समय ये रिवर्स में जाती हैं रिवर सिस्टम में रहती हैं उस समय ये कुछ भी खाती नहीं हैं और आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई ये मर जाती हैं इसमें आगे हम लैम्परेज के एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं लैम्प्रेस का शेप साइज और कलर हम देखें तो एडल्ट लैम्प्रेस जो होती हैं वो उनका स्ट्रक्चर देखें तो ई e लाइक -like होता है ये इलोंगेटेड ई लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है और ये जो होते हैं इनका जो बॉडी है उसमें इसके तीन डिस्टिंग पार्ट्स की बनी हुई होती है एक होती है हेड दूसरी होती है ट्रंक और तीसरा होती है इसकी टेल तो हेड ट्रंक और टेल की इनकी बॉडी बनी हुई होती है हेड ट्रंक और टेल जो है अनडिफ्रेंशिएटेड हैं आप अगर देखें तो क्लियर इनमें डिमार्केशन नहीं होता है हेड और जो ट्रंक होती है वो आप देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल है ये हेड से लेकर ये ट्रंक तक ये सिलेंड्रिकल होती है और जो टेल होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है बॉडी जो सरफेस होता है ये स्किन जो होती है उसकी अपीयरेंस देखें तो मॉटल्ड अपीयरेंस है इसकी और ग्रीनिश ब्राउन कलर इनका होता है अपर सरफेस जो होता है वो डार्क होता है लोअर सरफेस जो होता है वो लाइट कलर का होता है एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है परंतु स्किन जो होती है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट होती है ड्यू टू दी स्लाइमी सिक्रीशंस ऑफ दी एपीडर्मल ग्लैंड पेट्रोमाइज़ोन्स जो होती हैं उनका साइज नाइन्टी सेंटीमीटर्स तक हो सकता है और इसमें आगे हम देखें इसमें फिन्स तो पेट्रोमाइज़ोन में हम देखें तो पेयर्ड फिन्स इसमें नहीं पाए जाते हैं पेयर्ड फिंस नहीं होते हैं परंतु आप देख सकते हैं अन एकवल इसमें मीडियम डॉर्सल फिन होते हैं फर्स्ट डोर्सल फिन है सेकंड डॉर्सल फिन है और टेल के आसपास से कॉडल कॉर्डल फिन पाई जाती है कॉर्डल फिन का जो अपर लोब होता है वो कंटिन्यूस होता है सेकंड डोर्सल फिन से फिनस uh, में कार्टिलेजनस रॉड्स होती हैं जिन्हें हम फिन रेस कहते हैं और ये काटिलेजनस रॉड्स बेसिस पर फ्यूज़ होकर एक मेम्ब्रेनस शीत बनाती हैं नोटोकॉट और नर्व कॉड्स के बाहर और उसको स्ट्रेंथन ये करती हैं नेक्स्ट इसमें हम देखें तो ये जो लैम्परेज होते हैं उनमें जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक और जो चीज़ होती है वो होती है एक फिन होती है फ़ीमेल्स में एनल फिन और पाई जाती है जबकि मेल्स में ये एनल फिन रिड्यूस हो जाती है कॉपुलेट्री पेपिला ये इसमें बनाती है नेक्स्ट इसमें हम बकल फनल देखेंगे तो ये हेज जो होता है हेज के एंटीरियर बॉ एंटीरियर एंटीर एंड या बॉडी का या हेड जो है उसमें वेंट्रली डायरेक्टेड इसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बकल फनल कहते हैं बकल फनल जो होता है उसमें इट इज सराउंडेड बाय मार्जिनल मेम्ब्रेन। बकल फनल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे मार्जिनल मेम्ब्रेन कहते हैं और मार्जिनल मेम्ब्रेन में बहुत सारे उस उसके बाहर जो होते हैं उसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम ओरल पेपिला या ओरल फिम्बरी भी कहते हैं और इसके द्वारा ये जो ओरल फिम्बरी होती हैं इसके द्वारा ये पेट्रोमाइज़ोन फिशेस से चिपक जाता है ओरल फिम्बरी के बीच बीच में सेंसरी सिराई पाई जाती हैं है। ये, ये आप देख सकते हैं सेंसरी सिराई पाई जाती है ओरल फिम्बरी हैं ओरल फिम्बरी के बीच बीच में ये सेंसरी सिराई इसमें पाई जाती हैं इसके बाद हम देखें तो जो बकल फनल होती है उसके अंदर येलो कलर के हॉर्नी कॉनिकल एपिडर्मल टीथ पाए जाते हैं ये देखिए हॉर्नी एपिडर्मल कॉनिकल टीथ इसमें रेडिएटिंग रोज में आप ये देख सकते हैं इनका एक डिफिनट अरेंजमेंट होता है माउथ के ऊपर और माउथ के नीचे अगर आप देखें इनका एक अरेंजमेंट है तो माउथ के ऊपर ये दांत होते हैं वो सुप्रा ओरल छूथ प्लेट बनाते हैं जबकि माउथ के नीचे ये इंफ्रा ओरल छूथ प्लेट ये बनाते हैं इसके बाद अगर हम देखें तो माउथ जो बकल फनल होता है उसके अपेक्स पर बकल फनल के अपेक्स पर एक छोटी सी स्लिट लाइक माउथ ओपनिंग होती है और माउथ जो होता है वो सराउंडेड रहता है बाय कॉन्सेंट्रिक रोज ऑफ टीथ ये कॉन्सेंट्रिक रोज ऑफ लेटरल टीथ होते हैं और इनमें दो कस्प्स होती हैं दांत में लेटरल रो लेटरल बाय कस्पिट टूथ की कंसेंट्रिक रो माउथ के आसपास ये पाई जाती है माउथ के पीछे टंग होती है और टंग पे भी लार्ज होनी टीथ पाए जाते हैं नेक्स्ट जो है आइज हेड के दोनों साइड्स पर लेटरल साइड्स पर प्रोमिनेंट आइज होती हैं और आइज पर आईलेट्स नहीं होते हैं परंतु इस पर एक आई नहीं होती है पर आईज़ आर कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ द स्किन इसके बाद हम इसमें अपर्चर्स देखें तो अपर्चर्स जैसे कि मैंने आपको बताया है पहला अपर्चर तो एट दी अपेक्स ऑफ द बकल फनल स्लिट लाइक माउथ होता है तो दिस इज़ दी फर्स्ट अपर्चर सेकेंड अपर्चर जो है वो हेड पर में मिड डॉर्सली दोनों आइस के बीच में एक नेजल ओपनिंग पाई जाती है मीडियन एक्सटर्नल नेयर्स या हम नेजोफेरेंजियल अपर्चर भी कहते हैं जो पाया जाता है इसके बाद हम देखें तो आइस के जस्ट पीछे ऑन ईच साइड लेटरल रोज में हम देखें सेवन पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स लॉन्जिट्यूडनल रोज ऑफ गिल स्लेट्स पाई जाती हैं फोर्थ ओपनिंग जो हाँ अपर्चर जो है वो यहाँ क्लोएका होता है एट जंक्शन ऑफ द ट्रंक एंड टेल यहाँ क्लोएका होता है क्लोएका में यूरोजेनाइटल पेपिला पर यू, यूरोजेनाइटल अपर्चर होता है जो प्रोजेक्ट आउट करता है क्लोएका से बाहर यूरोप जनाइटल पेपिला के जस्ट पहले या उसके सामने एनस प्रेजेंट होता है जो कि क्लोएकल डिप्रेशन में होता है इसके अलावा लेटरल लाइन सिस्टम में ऑल अलोंग दी बॉडी लेटरल लाइन सिस्टम में लेटरल साइड्स पर बॉडी बो, के और हेड के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे सेंसरी पोर्स पाए जाते हैं तो ये सब जो हैं हमने पेट्रोमाइजोन की सेलेंट फीचर्स हमने पढ़े हैं नेक्स्ट क्लास में हम पेट्रोमाइजोन का एमोसीच लार्वा पढ़ेंगे